हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदीप बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, टाटा टिगोर के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि कंपनी ने आज लॉन्च कर दिया है टाटा टिगोर एक्सएम सीएनजी वेरिएंट, जिसकी प्राइस जाती है 7,40,000 रुपीज एक्सो रूम प्राइस दिल्ली। क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों? इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट में आपको दिया गया है हेलोजन बल्ब, हाई बीम लो बीम और टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। ये जो वेरिएंट देख पा रहे हैं ये है टॉप इन वेरिएंट और नीचे फॉक लैंप आपको एक्शन सीएनजी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, डे टाइम रनिंग लाइट भी नहीं मिलेगा और फ्रंट ग्रिल में पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा, ट्रायरोसेफ डिजाइन देखने को मिलेगा लेकिन क्रोम फिनिश आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्शन सीएनजी वेरिएंट में, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसके साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 14 इंच के स्टील व्हील विद सिल्वर कलर के व्हील कैप। और जैसे कि टॉप इन वेरिएंट है, टॉप इन वेरिएंट में कुछ इस तरह का आपको स्टील व्हील और व्हील कवर देखने को मिलता है। एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर के वार्बियम एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाले हैं और यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर एज इट इज देखने को मिलेगा एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साइड प्रोफाइल में आपको ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है और इसमें बॉडी कलर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। टॉप इन वेरिएंट में क्रोम फिनिश दिया गया है और इसमें बी पिलर आपको ब्लैकआउट देखने को मिलेगा एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में भी। और इसके रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड दिया गया है एलईडी टेल लैंप यूनिट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एलईडी टेल लैंप यूनिट जो कि स्टैंडर्ड दिया गया है। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एंटीना देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना की जगह हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। और रियर विंडशील्ड के लेफ्ट साइड सीएनजी का स्टिकर, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर दिया गया है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैंप यूनिट और आई सीएनजी की बैजिंग, क्रोम फिनिश दिया गया है नंबर प्लेट की जगह टाटा का लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलने वाले हैं आपको एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में। टिगोर की बैजिंग और काफी जबरदस्त इसका ड्यूल टोन रियर बम्पर, दोनों रिफ्लेक्टर्स और यहाँ पे क्रोम फिनिश नहीं देखने को मिलेगा एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं और यहाँ पे सेंटर लॉकिंग आपको मिलने वाले एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में, कीलेस एंट्री आपको नहीं दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल, वार्बियम के कंट्रोल एज इट इज मिलने वाले हैं एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में। 1 लीटर का बोटो होल्डर, थोड़ी सी जगह और इसमें 4 स्पीकर दिया गया है दोस्तों। ट्विटर आपको इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है और वहीं नीचे आपको स्पीकर दिया गया है कुछ इस तरह का। और डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह रहने वाली है डैशबोर्ड लेआउट का। इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है 4 स्पीकर के साथ, सपोर्ट करने वाला है एफएम रेडियो, ऑक्स यूएसबी को और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को। कुछ इस तरह का आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, टायरोसेफ डिजाइन, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, चारों ओर ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है, सेंटर में आपको कैबिन लाइट दिया गया है। और इसके सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं कुछ इस तरह का, क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक और इसके साथ ही 2 कप होल्डर दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जिसकी चारों ओर पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह का। और जस्ट उसके आगे मोबाइल वगैरह रखने की जगह दिया गया है और यहाँ पे की दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का की आपको देखने को मिलता है एक्सएम सीएनजी वेरिएंट में, फ्लिप की दिया गया है लॉक अनलॉक और यहाँ पे बूट ओपनर का बटन भी दिया गया है, लाइट का फंक्शन दिया गया है कुछ इस तरह का आपको की, और 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल और इसके साथ ही आपको यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल दिया गया है और सीएनजी का बटन दिया गया है कुछ इस तरह का, इंफोटेनमेंट सिस्टम हार्मन का, एसी वेंट दिया गया है जिसपे क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं अक्रॉस सभी वेरिएंट में, फ्लैट बॉटम टिल टेबल स्टीयरिंग मिल जाएगा जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल भी देखने को मिलेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बूट गेट ओपन करके देखते हैं और यहाँ पे आपको दिया गया है 12 kg का सीएनजी सिलेंडर और टोटल इसमें 419 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। सीएनजी सिलेंडर रखने के बाद आपको यहाँ पे आपके पास बच जाता है 209 लीटर का बूट स्पेस कुछ इस तरह का। और
और जस्ट इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील भी दिया गया है और इसमें आपको मिलते हैं ESX कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 86 bhp की पावर एंड 113 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाते हैं। CNG में 26.49 kmkg की माइलेज आपको दे देती है। दोस्तों टाटा टिगोर को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग मिली है। वहीं इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं ड्यूअल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, इंजन इमोबिलाइजर, डे नाइट IRBM, पेडेस्ट्रियन एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये जी दोस्तों टाटा टिगोर XM CNG वेरिएंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स हुआ कर कंपेरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।